Hey, welcome back to your classes. How are you all doing? I hope doing well. If not, take care. First of all, sorry for being so late with this video. I was sick and also I was busy in study, so I could not make a new video on Indian polity. But from now on, your videos will be regular, all right? So let's start without delay. We were studying fundamental rights, and we had studied an overview of fundamental rights. Types of fundamental rights, and then we studied a few fundamental rights. Article 12, definition of state. Article 13, any law which is not in consonance with the fundamental right will be declared void. Then Article 14, right to equality. Article 15, prohibition of discrimination on certain grounds article 16 prohibition of discrimination on certain grounds in matter of public employment then article 17 abolition of untouchability article 18 abolition of titles article 19 freedom of speech and expression also we read certain restrictions which are put on some fundamental rights or uh, you know which were put on power of state so today we gonna study article 20

सो so, वो राइट्स कौन कौन से हैं आर्टिकल ट्वेंटी ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज पर्सन अगर किसी पर्स कोई पर्सन एक्यूज है तो उस पर आर्बिट्रेरी पनिशमेंट नहीं लग सकती है और ना ही उसने जो उसने जो गलती की है या फिर उसने जो भी किया है क्राइम उसके अकॉर्डिंग ही उसको पनिशमेंट मिलेगी उससे ज्यादा उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं देन दिस आर्टिकल कंटेन्स थ्री मेन पॉइंट्स फर्स्ट वन इज नो एक्सपोस्ड फैक्टो लो इसका मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन जो है उसको कन्विक्ट नहीं किया जाएगा ऐसे किसी ऑफेंस के लिए जो लो उस टाइम फोर्स में नहीं था मतलब कि जैसे अभी ट्रिपल तलाक की बात कर लेते हैं कि जब ट्रिपल तलाक वाला लॉ आया है कि ट्रिपल तलाक जो है अलाउड नहीं है और जो भी ट्रिपल तलाक देगा हस्बैंड अपनी वाइफ को उसको पनिश किया जाएगा सो so, ये जो है ना इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है रिट्रोस्पेक्टिव मतलब पास्ट में भी इफेक्ट होना वो इफेक्ट नहीं है इसका मीन्स इस लॉ के आने से पहले अगर किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक दिया है तो वो उसको इसमें इसके अंडर पनिश नहीं किया जा सकता मत क्योंकि जिस टाइम पर उसने ट्रिपल तलाक दिया था उस टाइम पर वो लो फोर्स में नहीं था सो so, अगर कोई पर्सन कोई ऑफेंस कन्विक्ट कर कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है उस टाइम पर जो लो है उस लो के अकॉर्डिंग ही उसको पनिश किया जाएगा देन उसको जो लो के अकॉर्डिंग पेनल्टी डिसाइड की हुई है उस पेनल्टी से ज़्यादा पेनल्टी नहीं दे सकते हैं आपको पता है हर लो की जो होती है फ़िक्स पनिशमेंट होती है जो कि लिखी हुई है हमारे पास कि इस लो में ये पनिशमेंट मिलेगी इस लो में ये पनिशमेंट मिलेगी सो वो फिक्स होती है उससे ज़्यादा जो है नहीं दे सकते एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो लिमिटेशन है ये सिर्फ क्रिमिनल लॉज पे है सिविल लॉज या टैक्स लॉज पे नहीं है इट मींस कोई भी सिविल लॉ या टैक्स लॉ बनता है उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है जैसे कि अभी हिंदू मैरिज एक्ट 2005 जो था वो अभी अभी न्यूज़ में था करंट अफेयर्स में था उसका जो है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट था सो सिविल लॉज और टैक्स लॉ रिट्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं बट क्रिमिनल क्रिमिनल लॉज नहीं हो सकते देन सेकेंड पॉइंट इज़ नो डबल जेपर डबल जेपर क्या होता है कि आपको सेम सेम क्राइम के लिए डबल पनिशमेंट नहीं मिल सकती है बट वो जो डबल पनिशमेंट है ना वो सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ या फिर जुडिशियल ट्रिब्यूनल है वहाँ से नहीं मिल सकती और कोई दे सकता है फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू एन आई ए एस ऑफिसर और आपने कोई क्राइम कमिट किया है या फिर आपने कुछ ऐसा काम किया है जिसके लिए आपको पनिशमेंट दी गई है कोर्ट से और उसके बाद आप जिस ऑफिस में काम करते हैं जिस पोस्ट पर काम करते हैं जहां आप काम करते हैं वहाँ भी आपको पनिशमेंट दी जाती है देन आप उसको कोर्ट में ये बोलकर नहीं चैलेंज कर सकते कि ये डबल जेपर है क्योंकि अगर आपके ऑफिस ने आपको कोई पनिशमेंट दी है आपका जो ऑफिस है किसी कोर्ट ऑफ लॉ या फिर जुडिशियल ट्रिब्यूनल के अंडर नहीं आता है सो तो आपका ऑफिस आपको पनिश कर सकता है और जो कोर्ट है वो भी अलग से पनिश कर सकता है दैन थर्ड पॉइंट इज़ नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब कि कोई पर्सन अगर किसी ऑफेंस का एक्यूज है तो उसको कंपेल नहीं किया जाएगा फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो अपने ही अगेंस्ट जो है विटनेस बन सके आपने देखा होगा इसका बहुत मिस होता है इस पॉइंट का क्या मिस होता है कि जैसे भी सुशांत सिंह वाले केस की बात चल रही थी जो रिया चक्रवर्ती थी उसने जो अपनी स्टेटमेंट दी थी एनसीबी के आगे नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आगे उसके बाद जब उसको कोर्ट में ले जाया गया जब उसकी हियरिंग थी तो उसने कोर्ट के सामने बोल दिया कि मुझसे जो है वो जो स्टेटमेंट ली गई है मुझे फोर्स करके ली गई है सो उसने इस वाले राइट का यूज़ किया था मतलब इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होता है कि कोर्ट में जाकर जो क्रिमिनल्स हैं वो ये बोल देते हैं कि हमसे जो पुलिस कस्टडी में जो स्टेटमेंट्स ली गई हैं वो हमारे अगेंस्ट हमें कंपेल करके जो है ली गई है देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रमिनेशन ये जो लॉ है वो ठीक है बट कुछ चीज़ें हैं जिस पर ये अप्लाई नहीं होता है क्या क्या है वो कंपल्सरी प्रोडक्शन ऑफ मटीरियल ऑब्जेक्ट्स मतलब किसी पर्सन से रिलेटेड अगर उसने कोई क्राइम किया है तो मटीरियल ऑब्जेक्ट्स जो है पुलिस उससे ले सकती है वहाँ पर सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाला जो राइट है वो अप्लाई नहीं होगा थम इम्प्रेशन ले सकती है स्पेसिमेन सिग्नेचर ले सकती है ब्लड स्पेसिमेन ले सकती है एक्जिबिशन ऑफ बॉडी एंड देन इट एक्सटेंड्स ओनली टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स वापस से जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है वो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पर है सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए जो कि क्रिमिनल नेचर की नहीं है उसमें किसी पर्सन को अगर उसके अगेंस्ट विटनेस बनने के लिए कंपेल किया जाता है तो वो इस लॉ का यूज़ नहीं कर सकता है इस राइट का यूज़ नहीं कर सकता है सो ये था आपका आर्टिकल ट्वेंटी नेक्स्ट वी हैव इज आर्टिकल ट्वेंटी वन प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल ट्वेंटी वन जो आपका है जितने भी फंडामेंटल राइट्स में हैं उसमें से सबसे ज्यादा वाइड क्या है आपका आर्टिकल ट्वेंटी वन है सो इफ़ यू एवर एनकाउंटर अ क्वेश्चन आस्किंग यू द मोस्ट वाइड फंडामेंटल राइट आंसर विल बी आर्टिकल ट्वेंटी वन सो वट डज आर्टिकल ट्वेंटी वन से आर्टिकल ट्वेंटी वन डिकलेयर्स दैट नो पर्सन शेड बी डिप्राइव्ड ऑफ इस लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लो किसी भी पर्सन को उसकी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी से डिनाई नहीं किया जाएगा डिप्राइव नहीं किया जाएगा एंड हियर लाइफ मेयर डजेंट मीन मेयरली टेकिंग ब्रेथ मतलब सिर्फ सांसें लेने को ही आप लाइफ नहीं कहा जाएगा आपकी प्रॉपर डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए जहाँ पर यू विल बी रिस्पेक्टेड सो so, इसमें कुछ केस स्टडी हैं पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी कि लाइफ का मतलब सिर्फ ज़िंदा रहना ही है बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रियलाइज़ किया नहीं राइट टू लाइफ जो है उसकी एक वाइडर इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए सो राइट टू लाइफ के अंडर बहुत सारे सब पार्ट्स जो हैं वो ऐड किए गए थे सो so, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम स्टडी करें फर्स्ट वन वॉज़ गोपालन केस नाइनटीन सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि जो प्रोटेक्शन है आर्टिकल 21 के अंडर सिर्फ आर्बिट्रेरी एक्स एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट है लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट नहीं है मतलब अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी ने कुछ एक्शन लिया है आपके ऊपर तो आप उसके अगेंस्ट राइट टू लाइफ जो है लगा सकते हो बट अगर कोई लेजिस्लेटिव एक्शन हुआ है मतलब कोई लॉ ऐसा बनाया गया है जिससे आपको लगता है कि आपकी जो राइट टू लाइफ है वो इन्फ्रिंज हो रहा है वो इसके अंडर कवर नहीं होगा इसका मतलब जो स्टेट है वो किसी पर्सन से लाइफ और उसकी पर्सनल लिबर्टी ले सकता है कोई लॉ बनाकर और ये ये जो एक्सप्रेशन था वो किस लिए था प्रोसीजर

इम्प्लीमेंट करने के लिए जो तरीका यूज़ किया गया है वो सही है या नहीं है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या देखा जाता है कि लॉ बनाने के टाइम पे जो प्रोसेस फॉलो किया गया है और जो लॉ बनाया गया है वो सही है या नहीं है सो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उस टाइम पर हमारी कंट्री में नहीं था सो so ये कोर्ट नहीं देख सकता था कि जो लॉ बनाया गया है वो हमारी लाइफ को ले रहा है या नहीं बट लो बनाने के बाद जो एग्जीक्यूटिव जो लो को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्शन लेती है वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अंडर कवर होता है सो so वो उसके लिए कोर्ट ने बोला कि एग्जीकटिव एक्शन के अगेंस्ट हम आपको राइट टू लाइफ दे सकते हैं क्योंकि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हमारी कंट्री में है देन सेकेंडली सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या है कि उस इंडिविजुअल की सिर्फ पर्सन मतलब उसकी लिबर्टी क्या होता है कि आज़ादी देना होता है तो आज़ादी देना मतलब कि हाँ उसको घूमने फिरने की आने जाने की आज़ादी है दैट्स इट इतनी ही थी देन सेकेंड में मेन का केस आया था मेनका केस में क्या ऑब्जर्व किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहली वाली जजमेंट जो थी उसको ओवर रूल कर दिया था और उसके बाद उसने आर्टिकल ट्वेंटी वन की एक वाइडर इंटरप्रिटेशन ली थी उन्होंने न्यू प्रोसेस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो था वो भी डाल दिया था अभी हमने पढ़ा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं था प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ था इसके बाद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो था वो भी ऐड कर दिया गया था और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से ऐड करने के बाद अब हम ओनली एग्जीक्यूटिव एक्शन नहीं लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट भी आपको राइट टू लाइफ प्रोवाइड कर सकते हैं फर्दर कोर्ट ने क्या बोला था कि राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं है कि हाँ आप एग्जिस्ट करते हैं या आप सांसें ले रहे हैं या आप सर्वाइव कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि आपको प्रॉपर ह्यूमन डिग्निटी के साथ रहने दिया जाएगा और लाइफ के सभी आस्पेक्ट्स इस आर्टिकल के अंडर कवर किए जाएंगे जो एक पर्सन की लाइफ को मीनिंगफुल और कंप्लीट बनाते हैं सो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट ली थी मेनका केस में उसको आगे फर्दर और जो केसेज आते गए तो सुप्रीम कोर्ट जो था वो मेनका केस का रेफरेंस दे के जो है वापस से वही जजमेंट देते गए और टाइम टू तो टाइम आर्टिकल 21 की जो है बहुत सारी डेफिनेशंस बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस निकल कर आई टाइम टू तो टाइम कैसे निकल कर आई हैं ये कि सपोज uh, कोई केस हो गया तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रियलाइज़ करा कि हाँ ये जो केस है ये जो है राइट टू लाइफ के अंडर आ सकता है सो डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट ह्यूमन राइट्स को लेकर विमेन राइट्स को लेकर चिल्ड्रन राइट्स को लेकर डिफरेंट टाइम पर जो केस आते रहे उन सबको सुप्रीम कोर्ट जो है वो राइट टू लाइफ के अंडर एड करते गए सो फोर नाव आर्टिकल ट्वेंटी वन के अंडर हमारी कौन कौन सी इंटरप्रिटेशन है ये सब इंटरप्रिटेशन आपको याद रखनी है इनमें से कोई भी इंटरप्रिटेशन आपकी क्वेश्चन में देकर पूछ सकते हैं इज़ इट फंडामेंटल राइट और नोट तो आपको वहाँ पर येस लिखना पड़ेगा ज़रूरी नहीं है कि राइट टू लाइफ लिखा आएगा अगर राइट टू स्पीडी ट्रायल लिखा आता है राइट टू इन्वायरमेंट लिखा आता है राइट टू फेयर ट्रायल लिखा आता है कि वो फंडामेंटल राइट right है या नहीं तो आपको वहाँ पर येस yes लिखना पड़ेगा देन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे आपके पास बहुत सारे राइट्स हैं जो आर्टिकल ट्वेंटी के अंडर कवर्ड हैं आप स्क्रीन ले सकते हैं या फिर आप जो है किसी बुक से या कहीं और से इसको नोट कर सकते हैं देन वापस से हमारे पास बहुत सारे राइट्स हैं आर्टिकल 21 के अंडर जो कवर किए गए हैं देन रेस्ट्रिक्शंस की हम बात कर लेते हैं जो राइट टू लाइफ है उस पर रेस्ट्रिक्शन कब लगती है एक ही केस में लगती है जब लॉ जो है हमें डिफाइन करके देता है एग्जाम्पल हम किसी पर्सन को अगर जेल में डाल दें तो वो पर्सन ये नहीं बोल सकता कि मुझे आर्टिकल ट्वेंटी के अंडर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मिली हुई है मुझे जेल से बाहर निकाल लो वो नहीं बोल सकता क्योंकि रेस्ट्रिक्शन है कि अगर लो ने आपको बोला है कि आपको जेल में रहना पड़ेगा तो आपको रहना पड़ेगा सो अकॉर्डिंग टू लो राइट टू लाइफ को एब्रोगेट किया जा सकता है किसी पर्सन की राइट टू लाइफ को से लिया जा सकता है नेक्स्ट वी हैव इज़ आर्टिकल ट्वेंटी वन ए राइट टू एजुकेशन आर्टिकल ट्वेंटी वन ए ये बोलता है कि जो स्टेट है वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा सभी बच्चों को ऑफ एज सिक्स टू फोर्टीन ईयर्स ठीक है पहले ये फंडामेंटल राइट right नहीं था इस प्रोविजन को कब ऐड किया गया है एटी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ टू थाउजेंड टू पहले ये डी में था बट इस अमेंडमेंट के बाद सिक्स टू फोर्टीन ईयर्स की जो एजुकेशन है उसको फंडामेंटल राइट में डाल दिया गया एंड सिक्स ईयर्स तक की जो एजुकेशन है उसको डी में डाल दिया गया देन गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ये जो स्टेप है वो सिकिड रेवोल्यूशन के जैसा है क्योंकि इससे बहुत बड़ा चेंज आएगा हमारी सोसाइटी में देन इसमें हम केस स्टडी करते हैं 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने रिकोगनाइज किया कि राइट टू प्राइमरी एजुकेशन जो है वो एक फंडामेंटल राइट right होना चाहिए उन्होंने बोला कि इस कंट्री के हर एक चाइल्ड और हर एक सिटीजन को फ्री एजुकेशन का राइट right है जब तक कि वो फोर्टीन ईयर्स जो है कम्प्लीट नहीं कर लेता देर आफ्टर उसका जो राइट right है राइट टू एजुकेशन इज सब्जेक्ट टू लिमिट्स ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टेट मतलब कि क्या बोला था गवर्नमेंट ने कि ठीक है राइट टू एजुकेशन है बट अगर कहीं पे किसी स्टेट के पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो मतलब वहाँ पे जो है रीज़न reason, मतलब रीजंस दे के प्रोपर रीजन्स दे के हो सकता है कि एज ऊपर नीचे की जा सके अदरवाइज सिक्स टू फोर्टीन जो है वो कंपलसरी है इस जजमेंट ने उसके बाद कोर्ट ने जो थी इस जजमेंट में जो 1993 में आई थी उसमें उसने अपनी 1992 वाली जजमेंट को ओवर रूल किया था और उसने क्या बोला था कि जो फंडामेंटल राइट right है टू एजुकेशन वो जो है प्रोफेशनल लेवल तक होनी चाहिए पहले फ़ंडामेंटल राइट right में प्रोफेशनल लेवल तक थी सिक्स टू फोरटीन नहीं थी बट उसके बाद ये बोला गया कि सिक्स टू फोरटीन वाली फ़ंडामेंटल राइट right में रखो प्रोफेशनल मत रखो क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मतलब बहुत सारी जगह पर अगर आपको प्रोफेशनल एजुकेशन पढ़ानी है तो आपको वहाँ पे स्कूल एंड कॉलेज गवर्नमेंट को स्कूल एंड कॉलेज खोलने पड़ेंगे उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और पैसे चाहिए बहुत सारे एंड ऑल्सो अगर किसी जगह पे कॉलेज नहीं है सो so पेरेंट्स भी अपने बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर भेजना जो है वो प्रेफर नहीं करते हैं सो कोर्ट को ये लगा कि उस टाइम की प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से प्रोफेशनल एडुकेशन को फंडामेंटल राइट right में ऐड नहीं कर सकते हैं सो so उन्होंने उसको ओवर रूल कर दिया देन कंपलसरी एजुकेशन आर एक्ट 2019 लेकर आया गया था इस एक्ट ने क्या बोला था मतलब ये जो लो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दे दी ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी तो उसके बाद से नेक्स्ट डे से वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा प्रॉपर लॉ लेकर आना पड़ेगा ना जैसे मैंने आपको जब फंडामेंटल राइट्स की क्लास करवाई थी प्रोबेबली क्लास नाइन और टेन उसमें मैंने आपको क्या बताया था कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली क्या होते हैं इम्प्लीमेंट हो जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपका आर्टिकल फोटीन हो गया और आर्टिकल 19 हो गया आपका आर्टिकल 25 हो गया बट कुछ आपके फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं हो सकते उसके लिए पार्लियामेंट को प्रॉपर लॉ बनाना पड़ता है फॉर एग्जांपल आर्टिकल 17 उसके लिए लॉ बनाया गया था देन यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं आर्टिकल ट्वेंटी ए उसके लिए एक्ट लेकर आए थे कंपल्सरी एडुकेशन एक्ट टू सो ये एक्ट जो था वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए लाया गया था नेक्स्ट फंडामेंटल राइट वी हैव इज़ आर्टिकल ट्वेंटी प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अगर आपको अरेस्ट किया जाता है या फिर आपको डिटेन किया जाता है उसके अगेंस्ट आपको सर्टेन प्रोटेक्शंस दी हुई हैं वट आर दो प्रोटेक्शंस प्रोटेक्शन से पहले हमें पढ़ना होगा कि डिटेंशन क्या होता है डिटेंशन होता है एक होता है प्योनेटिव डिटेंशन एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन डिटेन आ, प्यूनिटिव क्या होता है कि पनिशमेंट देना प्रिवेंटिव क्या होता है रोकना किसी चीज़ से सर प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होगा कि कोई पर्सन जो है वो कोई अफेंस या फिर कोई क्राइम कमिट कर चुका है और उसके बाद उसको जो है डिटेन किया गया है दैट इज़ प्यूनिटिव डिटेंशन प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है कि, कि किसी पर्सन पे शक है कि वो जो पर्सन है कुछ ऐसा काम कर सकता है जो कंट्री के या फिर नेशनल इंटरेस्ट के फेवर में नहीं है सो so, उस पर्सन को प्रिवेंट करने के लिए कि वो कोई क्राइम या फिर कोई ऑफेंस ना करे उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन पर रखा जा सकता है देन आर्टिकल 22 के अब हमारे पास डिटेंशन दो टाइप के हो गए ना सो आर्टिकल ट्वेंटी के भी दो पार्ट्स हैं एक प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड सेकेंड वन इज़ प्रिवेंटि डिटेंशन सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं आर्टिकल ट्वेंटी टू का भी पेरेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड है ये कौन कौन से प्रोटेक्शन देता है हमें राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट अगर आपको अरेस्ट किया गया है सो पुलिस हैज़ टू टेल यू कि आपको किस लिए अरेस्ट किया गया है देन आपको लीगल प्रोटेक्शनर को कंसल्ट करने का भी राइट है आपको जो है अपने लॉयर से कांटेक्ट करने का राइट right है वेन यू आर अरेस्टेड उसके बाद जब आपको अरेस्ट किया गया है तो आपको मजिस्ट्रेट के सामने 24 फोर आवर के अंदर अंदर जो है लेकर जाना होगा इंक्लूडिंग द जर्नी टाइम ये भी नोट कर लेना जर्नी टाइम इंक्लूड करने का मतलब क्या है सपोज करोगे आपको मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाने में पुलिस ने छः दिन लगा दिए तो वो ऐसा नहीं हो सकता जने टाइम को इंक्लूड करके आने जाने का टाइम इंक्लूड करके 24 फोर आवर के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको रखना ही होगा देन राइट टू बी रिलीज आफ्टर 24 फोर आवर्स अनलेस द मजिस्ट्रेट ऑथोराइज फर्दर डिटेंशन और जब आपको मजिस्ट्रेट के पास ले जाया गया है अगर मजिस्ट्रेट ने आपकी डिटेंशन को ऑथराइज नहीं किया है तो आपको ट्वेंटी आवर के बाद पुलिस को रिलीज करना होगा बट ये जो सेफ गार्ड्स हैं वो एनिमी एलियंस को नहीं है जब हमने लास्ट क्लास की थी उसमें हमने ये स्टडी किया था कौन कौन से राइट्स सिटीजेंस को अवेलेबल हैं कौन से फॉरनर्स को कौन से एनिमी एलियंस को देखो सिटीजन्स को सभी राइट्स अवेलेबल हैं जो फॉरनर्स हैं उनको फिफ्टीन सिक्सटीन नाइनटीन ट्वेंटी नाइन एंड आर्टिकल थर्टी ये फाइव आर्टिकल्स अवेलेबल नहीं हैं दैन एनिमी एलियन को कोई भी फंडामेंटल राइट अवेलेबल नहीं है सो so, ये सेफ कार्ड भी एनिमी एलियन को अवेलेबल नहीं है और ऐसा कोई पर्सन जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन लो अभी हमने पढ़ा डिटेंशन जो है इज ऑफ टू टाइप्स प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव सो ये जो पॉइंट्स है आपकी प्यूनिटिव डिटेंशन के लिए थे अगर किसी पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन लो का यूज़ करके डिटेन किया गया है तो वो ये जो राइट्स है वो डिमांड नहीं कर सकता है नैन सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि जो अरेस्ट एंड डिटेंशन है इन फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल ट्वेंटी टू उसमें कौन कौन सी अरेस्ट नहीं आती अंडर द ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट सिविल अरेस्ट अरेस्ट ऑन फेलियर टू पे द इनकम टैक्स अभी यहाँ पर आप एक चीज़ रख लीजिए याद करके एक तो कोई भी फंडामेंटल राइट एनिमी एलियन को नहीं है सेकेंडली अगर आपको कोई भी राइट right दिया जाता है तो वो जो है मोस्टली क्रिमिनल केसेस के लिए है सिविल अरेस्ट और टैक्स के लिए नहीं है देन कोर्ट ने क्या बोला था कि अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इस पर्सन को अरेस्ट किया जाए तो उसको ये राइट्स नहीं मिलेंगे उसके बाद उसको ये राइट्स मिलने का जो है कोई चांस है ही नहीं है इन राइट्स में लिखा क्या हुआ है कि अगर मतलब ये राइट्स बेसिकली दिए क्यों हुए हैं कि कहीं पर पुलिस अपने आर्बिट्रेरी एक्शन का यूज़ करते हुए आपको अरेस्ट कर लेती है बट अगर कोर्ट ने जजमेंट दी है तो वो जजमेंट तो मोस्टली सही ही होती है अनलेस एंड अनटिल आपको वो गलत लगे और आप यू you नो know, एक हायर लेवल ऑफ कोर्ट पर जाकर उसके लिए अप्लाई करें तो अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आपको अरेस्ट किया जाएगा कोर्ट ऑलरेडी आपको ऑर्डर दे चुका है पुलिस को कि आपको अरेस्ट किया जाएगा सो उसके बाद कोई चांस नहीं है आपको कि मजिस्ट्रेट के सामने जो है रखा जाएगा तो अगर कोर्ट का को ऑर्डर आया है सिविल अरेस्ट है टैक्स के लिए अरेस्ट किया गया या फिर एलियन की बात है तो एनिम एलियन वो वाला नहीं जो स्पेस से आता है एलियन उसको बोला जाता है वो कंट्री के फॉरनर जिनके साथ हमारे अच्छे रिलेशंस नहीं है और इसका मतलब क्या है कि ये लोग जो है ये भी उन्हीं पर लगेगा जो क्रिमिनल या फिर क्वासी क्रिमिनल है या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो पब्लिक इंटरेस्ट के फेवर में नहीं है देन आर्टिकल ट्वेंटी का सेकेंड पार्ट हमें क्या कहता है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर जो लोगों को अरेस्ट किया गया है उनके लिए सर्टेन राइट्स हैं कि जो डिटेंशन है वो थ्री मंथ्स जो है वो एक्सीड नहीं कर सकता जब तक कि एडवाइजरी बोर्ड जो है आपको जब तक ये एडवाइजरी बोर्ड जो है रिपोर्ट नहीं कर देता है सफिशिएंट कोज की उसको जो है उसके जो डिटेंशन है उसको एक्सटेंड क्यों किया जाना चाहिए मतलब अगर किसी पर्सन को डिटेन किया गया है तो मैक्सिमम थ्री मंथ्स थ्री मंथ्स के बाद एडवाइजरी बोर्ड अगर बोल लेगा कि डिटेन करना है तो ठीक है अदरवाइज नॉट देन जो ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन है उसको बताया जाना चाहिए जैसे उसमें ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताया गया था इसमें ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन जो है बताया जाना चाहिए हैवर द फैक्ट्स कंसिडर्ड टू बी अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट नीड नोट टू बी डिस्कस्ड बट अगर ऐसा कोई भी जो है ग्राउंड है डिटेंशन का जो पब्लिक इंटरेस्ट के फेवर में है तो उसको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है बात करते हैं डिटेन्यू की जिसको डिटेन किया जाता है उसको डिटेन्यू बोलते हैं शुड बी अफोर्ड एंड अपॉर्चुनिटी उसको जो है रिप्रजेंटेशन का मौका मिलना चाहिए डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट और राइट देन आर्टिकल ट्वेंटी टू जो होता है वो पार्लियामेंट को पावर्स भी देता है आर्टिकल ट्वेंटी टू का फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा प्यूनिटिव डिटेंशन के अगेंस्ट पावर प्रिवेंटिव डिटेंशन के अगेंस्ट सेकेंड पार्ट में देन ऑल्सो आर्टिकल ट्वेंटी टू पार्लियामेंट को क्या कहता है कि पार्लियामेंट जो है सर्कम को डिस्क्राइब कर सकती है कि, कि किसी पर्सन को इस सरकम में डिटेन किया जाएगा और इस सरकम में डिटेन नहीं किया जाएगा और जैसे हमने अभी पढ़ा कि थ्री मंथ्स का पीरियड था कि बिना एडवाइस लिए उसको थ्री मंथ्स के लिए जो है डिटेन कर सकते हैं बट पार्लियामेंट जो है उसे चेंज कर सकती है पार्लियामेंट बता सकती है कि पर्टिकुलर सर्कमस्टैंस के अंडर किसी पर्सन को हम बिना एडवाइजरी बोर्ड से एडवाइस लिए मोर देन थ्री मंथ्स के लिए भी डिटेन कर सकते हैं और मैक्सिमम पीरियड जो है क्या होगा किसी को डिटेन करने का वो भी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाई एन एडवाइजरी बोडी इन एन इंक्वायरी अगर एडवाइजरी बोडी इंक्वायरी कर रहा है कि उसका जो डिटेंशन है वो लीगल है या नहीं है तो क्या प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए वो भी कौन डिसाइड कर ले करेगी पार्लियामेंट यहाँ पर आप ये सोचना कि पार्लियामेंट को इतनी पावर दे दी वो तो अपने फेवर में करेगी यहाँ पर पार्लियामेंट वर्ड लिखा है गवर्नमेंट वर्ड नहीं लिखा है जिसको आप गवर्नमेंट कहते हैं वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है बॉडी ऑफ मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर जिसको आप पार्लियामेंट बोल रहे हैं उसमें आपकी गवर्नमेंट भी होती है उसमें आपका ऑपोजिशन भी होता है सो so, वहाँ पर आर्बिट्रेरी एक्शन के जो है चांसेस ज़्यादा नहीं हैं और पार्लियामेंट जो है उसके पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है एक्सक्लूसिव क्या होता है कि सिर्फ उसी के पास है मतलब इस केस पर सिर्फ पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी कौन से केस पर डिफेंस फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया अगर ये तीनों चीज़ें हैं ये तीनों मैटर हैं तो इस केस में डिटेंशन से रिलेटेड रूल्स जो हैं वो सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगी बट जो दूसरे केसेस हैं जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है एंड द मेंटेनेंस ऑफ सप्लाइज एंड सर्विसेज है एसेंशियल टू द कम्युनिटी, ये कोई ऐसी चीज़ ही होती है इसके ऊपर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलकर अपना बना सकते हैं बट अगर डिफेंस फॉरन अफेयर्स और सिक्योरिटी की बात हो रही है तो सिर्फ पार्लियामेंट ही डिफाइन करेगी डिटेंशन की कंडीशंस दैनस्ट वी हैव इज आर्टिकल ट्वेंटी थ्री प्रोहबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींगस एंड फोर्ज ह्यूमन लेबर यहाँ पर दो चीज़ें हैं हमारे पास कि ह्यूमन बींग्स में जो ट्रैफिकिंग है वो प्रोहिबिट की गई है एंड दैन फोर्सड ह्यूमन लेबर जो है उसको प्रोहिबिट किया गया है आर्टिकल ट्वेंटी थ्री प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींगस बेगार जिसको फोर्स्ड लेबर बोला जाता है एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्सड लेबर it protects individual not only against state but also against private person for example your right to untouchability was not only against state but also against private individuals article 21 is also against private individuals then your article 23 is also against private individuals as well as state then expression trafficking in human beings your leaky we had that include selling and buying of men women and children like goods immoral trafficking in women and children including prostitution देवादासीज स्लेवरी अगर हम करवाते हैं जिसके बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा हिस्ट्री में इनको पनिश करने के लिए पार्लियामेंट ने एक्ट भी बनाया है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 अगेन हमारे पास जो आर्टिकल 23 है फंडामेंटल राइट उसको इंप्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट को एक्ट बनाना पड़ा था दैट एक्ट इज़ इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट नाइनटीन देन जो वर्ड फोर्स यहाँ पर यूज़ किया गया है फोर्सड लेबर उसका मतलब क्या है फिजिकल लेबर तो है ही कि आपको फिजिकली लेबर फोर्स लेबर करने के लिए फोर्स किया जा रहा है लीगली आपको फोर्स किया जा रहा है बट इसमें वो फोर्स भी हैं जो आपको इकोनॉमिक सरकमस्टांसिस में कंपल्शन किया जाता है मतलब कि आपको मिनिमम वेज से नीचे काम करने के लिए फोर्स किया जा रहा है तो दैट विल ऑल्सो बी अ टाइप ऑफ फोर्सड लेबर इसके लिए बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबोल्यूशन एक्ट नाइनटीन मिनिमम वेजिस एक्ट 1948 और और भी बहुत सारे जो एक्ट थे वो बनाए गए थे ये जो है वो परमिट करता है स्टेट को मतलब कि क्या है हमारे पास जो आर्टिकल 23 है एक तरफ आपके ऊपर राइट कंफर्ट करता है कि आपकी जो है ट्राफिकिंग नहीं की जाएगी ना आपसे फोर्स लेबर नहीं करवाई जाएगी बट इसकी भी क्या है हमारे पास रेस्ट्रिक्शन है हमारे पास मैंने आपको पढ़ा बताया था कि जितने भी आपको फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे हर एक की रेस्ट्रिक्शंस होगी सो so ये रेस्ट्रिक्शन क्या है इसकी ये स्टेट को परमिट करता है कि आपसे फोर्स्ड लेबर करवा सकती है पब्लिक पर्पजेज़ के लिए फॉर एग्जांपल मिलिट्री सर्विस और सोशल सर्विस के लिए जिसके लिए इसको पे करने की ज़रूरत नहीं है हाव एवर ऐसी सर्विस को इम्पोज करने के लिए उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है मतलब अगर स्टेट को ज़रूरत पड़ती है सबसे कोई सोशल वर्क सर्विस या फिर मिलिट्री सर्विस करवाने के लिए तो वो करवा सकती है बट किसी पर्टिकुलर रिलीजन रेस कास्ट या क्लास से नहीं करवा सकती है सो so, ये रेस्ट्रिक्शन है आपके फंडामेंटल राइट के ऊपर आपसे सर्विस करवा सकती है गवर्नमेंट ठीक है देन आर्टिकल ट्वेंटी फोर डील्स विद प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा कि जो बच्चे हैं उनसे उनकी जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी ये आर्टिकल आपको क्या कहता है ये जो आर्टिकल है एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट करता है बिलो द एज ऑफ फोर्टीन ईयर्स बट डज इट मीन कि हमारे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की मिनिमम एज क्या है फोर्टीन ईयर्स है फोर्टीन ईयर्स अगर कोई है फोर्टीन ईयर्स के ऊपर या फिर फोर्टीन ईयर्स का तो वो एम्प्लॉयमेंट में लग सकता है बच्चा बट फोर्टीन से नीचे नहीं लग सकता है किसी भी फैक्ट्री में किसी भी माइन में कोई भी हेजार एक्टिविटी में नहीं लग सकता है बट कोई हार्मलेस और इनोसेंट वर्क करवा सकते हैं ये लाइन किस लिए की करी गई है सपोज अगर अब पेरेंट्स अपने बच्चे से कुछ करवा रहे हैं और तो बच्चे ये नहीं बोल सकते कि हमसे चाइल्ड लेबर करवाई जा रही है ठीक है वो हार्मलेस और इनोसेंट वर्क होता है अब ये जो आर्टिकल है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वेरियस स्टेप्स कौन से लिए हैं गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने अगेन आर्टिकल ट्वेंटी फोर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ फंडामेंटल राइट फॉर विच गवर्नमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट हैव टेकन स्टेप्स और आर एग्जीक्यूटिव बॉडी और आर लेजिटिव बॉडी हैज़ मेड सर्टेन एक्ट्स एंड लॉज हमारी जो गवर्नमेंट है उसको बहुत सारे लॉज बनाने पड़े थे इस आर्टिकल को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो जिस जिस आर्टिकल को इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ बनाए जा रहे हैं ना वो सब आर्टिकल आप अलग से नोट कर लेना सो so कौन कौन से स्टेप लिए गए थे बहुत सारे एक्ट्स बनाए गए थे चाइल्ड लेबर एक्ट बनाया गया था माइंस एक्ट फैक्ट्रीज एक्ट इसको पोज करके आप नोट कर लेना या फिर स्क्रीन ले लेना देन नाइनटीन में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि एक चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड जो है उसको एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए मतलब क्या है कि सपोज़ कोई पर्सन जो है वो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व पाया गया तो उस पर्सन से जो पैसे लिए जाते हैं ना वो पैसों के लिए एक कि वो पैसे कहाँ जाएंगे वो चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फ़ंड में जाएंगे कि जिन बच्चों से चाइल्ड लेबर करवाई जा रही है उनके वेलफेयर के लिए वो पैसों का यूज़ होना चाहिए ठीक है और वहाँ पे मतलब उन्होंने बोला कि बच्चों के न्यू, न्यूट्रिशन एजुकेशन वगैरह में भी उन वो जो मनी है उसको यूज़ कर सकते हैं देन एक कमीशन फिर सेटअप किया गया था प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 जिसमें कि नेशनल कमीशन और स्टेट कमीशन सेटअप करने की बात की गई थी जो कि ना तो सिर्फ बच्चों को एम्प्लॉयमेंट से रोकेंगे दूसरा वो राइट भी देंगे जिसमें क्या होगा चिल्ड्रन के कोर्ट सेटअप किए जाएंगे अलग से जिसमें उनको स्पीडी ट्रायल प्रोवाइड किया जाएगा दैन 2006 में गवर्नमेंट ने जो था एम्प्लॉयमेंट बैन कर दिया था चिल्ड्रन एज डोमेस्टिक सर्वेंट मतलब कि जो वहाँ पर हार्मलेस इनोसेंट वर्क लिखा हुआ था उसमें जो था डोमेस्टिक सर्वेंट जो था मतलब कुछ लोग जो थे उसके बाद अपने बच्चों से जो है घर के काम वगैरह खुद के घर के नहीं दूसरों के घर के काम वगैरह करवाते थे तो वो डोमेस्टिक सर्वेंट हो गए बाद में गवर्नमेंट ने उसको भी बैन कर दिया था कि होटल में ढाबा में रेस्टोरेंट में शो फैक्ट्रीज वगैरह में कोई भी जो बच्चा है चौदह साल से का अगर ये काम करता पाया गया सो एक्शन लिया जाएगा ऑनर पर <coughs> देन चाइल्ड लेबर एक्ट लाया गया था 2016 में जिसने चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 को अमेंड कर दिया था इसने इसका नाम क्या रख दिया है चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 एटी लेबर किस लिए क्योंकि एडोलसेंट एज आ जाती है ना 11 के बाद सो वो चाइल्ड नहीं होते ना तो इसलिए ऐड कर दिया था देन आर्टिकल ट्वेंटी

कि मतलब कोई पर्सन है अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन को मानता है तो वो जाकर बोल सकता है किसी को भी ओपनली कि मैं इस रिलीजन को मानता हूँ राइट टू प्रैक्टिस और वो जो है किसी रिलीजन को मानता है तो उसके जो रिचुअल्स हैं उसकी जो वर्शिप है सरमनीज हैं है, उनको वो फॉलो कर सकता है कोई उसको नहीं रोक सकता राइट टू प्रोपागेट वो जो है अपने रिलीजियस बिलीव्स कि मेरे रिलीजन के बारे मतलब इस रिलीजन के बारे में मेरे जो है ये थॉट्स है वो किसी को बता सकता है बट दैट डजेंट मीन कि वो किसी को फोर्सफुल कन्वर्ट करेगा अगर आप किसी को इन्फ्लुंस करना चाहते हो कि ये जो रिलीजन है ये इतना अच्छा है तो दैट इज़ ओके बट आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं कोई जो पर्सन है वो अपना रिलीजन चेंज करेगा सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ़ रिस्ट्रिक्शन ऑन योर राइट ठीक है देन वेयरिंग एंड कैरिंग ऑफ कृपांस आपने देखा होगा कि कृपांस पहनकर रखते हैं सिख जो है तो उनको जो है प्रोफेशन ऑफ सिख रिलीजन माना जाता है ये इस राइट में किस लिए लिखा गया है अलग से कि उनको जो है वो किरपान डालते हैं एंड वो हेलमेट नहीं डालते हैं सो so उसके लिए उन पर पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती है क्योंकि जो वो किरपान डालते हैं वो आर्टिकल ट्वेंटी फाइव के अंडर आता है एंड वो उनका फंडामेंटल राइट right है देन इसमें हिंदूज मतलब यहाँ तो कहीं नहीं लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पर बट ये जो इसका जो आर्टिकल का ओरिजिनल टेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ पर जो वो हिंदू वर्ड्स लिखा हुआ है ना उसका मतलब सिख जैन एंड बुद्धिस्ट है और राइट देन रेस्ट्रिक्शंस इस पर कौन से लगेंगे पब्लिक ऑर्डर मॉरेटी हेल्थ अदर प्रोविजन रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स मीन्स अगर आप रिलीजन के नाम पर लड़ाइयाँ करवा रहे हो तो वो अलाउड नहीं है दैन स्टेट इज परमिटेड टू रेगुलेट और रेस्ट्रिक्ट एनी इकोनॉमिक फाइनेंशियल पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिस मतलब कि जैसे अगर कोई ग्रुप ये बोल रहा है कि हम अपने रिलीजियस ब्रीफ मतलब कोई सेरेमनी है मान लो जैसे अभी कोरोना वायरस था ठीक है तो कोरोना वायरस के टाइम पे बहुत सारे रिलीजियस सेरेमनी थी जो कैंसिल हो गई थी तो उस टाइम पे कोई ग्रुप या कोई पर्सन अगर ये नहीं बोल सकता कि राइट टू प्रोफेस और जो राइट टू प्रोपोगेट है वो जो है मेरा क्या है फंडामेंटल राइट right है आप मुझे मेरी सेरेमनीज जो है करने से नहीं रोक सकते हैं स्टेट जो है उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है प्रचरते वो रेस्ट्रिक्शन सही हों स्टेट जो है कैन प्रोवाइड फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और थ्रो ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ अ पब्लिक करेक्टर टू और क्लास एंड सेक्शंस ऑफ हिंदू जो स्टेट जो है सोशल वेलफेयर के लिए कोई रिफॉर्म लाने के लिए जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है जो कि पब्लिक करेक्टर के हैं पब्लिक करेक्टर का यहाँ पर क्या मतलब है कि जो जिनको गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है किसी का अगर किसी ने प्राइवेट मंदिर बनाया हुआ है उसकी बात अलग है तो वो सभी क्लासेज और सेक्शंस ऑफ हिंदू के लिए वो उसको ओपन कर सकती है मतलब कि कुछ हिंदू के टेंपल्स ऐसे हैं जो हिंदू के पर्टिकुलर सेक्शन के लिए और से अपर कास्ट के लिए या फिर पर्टिकुलरली मैन के लिए ओपन है जो स्टेट है वो उनको सब लिए ओपन कर सकती है वहाँ पर मैन या फिर पर्टिकुलर अपर कास्ट पीपल ये नहीं बोल सकते हैं कि हम जो है हमें राइट right टू क्या मिला हुआ है हमारा रिलीजन मिला हुआ है उसके अंडर जो है हम ही मैनेज करेंगे एंड देन हम ही डिसाइड करेंगे कि टेंपल में कौन आएगा ऐसा नहीं है स्टेट कर सकती है उसको एग्जांपल आपको पता ही है बहुत फेमस एग्जांपल है देन आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स की हम बात करते हैं फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स जो आर्टिकल ट्वेंटी फाइव से ट्वेंटी एट है वो सब फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं आर्टिकल ट्वेंटी फाइव में बेसिकली फोर डेफिनेशनस थी आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स क्या कहता है कि कोई अगर पर्टिकुलर डिनोमिनेशन है या फिर कोई भी सेक्शन है ऑफ सोसाइटी का तो वो जो है अपने रिलीजियस अफेयर खुद से मैनेज कर सकता है डिनोमिनेशन वर्ड इज़ हाईलाइटेड हियर क्योंकि हम डिनोमिनेशन की जो है पर्टिकुलर डेफिनेशन पढ़ेंगे डिनोमिनेशन हर किसी को नहीं बोल सकते हैं सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि डिनोमिनेशन कर क्या क्या सकता है फिर हम देख लेंगे डिनोमिनेशन कहना इसको है डिनोमिनेशन जो है एस्टेब्लिश कर सकता है और मेंटेन कर सकता है कोई भी इंस्टीट्यूशन को अपने रिलीजियस पर्पजेस के लिए मतलब कोई मंदिर मस्जिद खोलना चाहता है वो खोल सकता है उसे खुद के अफेयर्स वो खुद मैनेज कर सकता है और उसकी जो प्रॉपर्टी होती है <coughs> <coughs> मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी वो उसको ओन या फिर एक कर सकता है बट उसको जो है सारी प्रॉपर्टीज और ये सब जो है लो के अकॉर्डिंग मैनेज करना पड़ेगा लो के अगेंस्ट वो नहीं जा सकता सो ये एक काइंड की रेस्ट्रिक्शन है आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स के ऊपर देन हम बात करते हैं डिनोमिनेशन किसको बोला जाएगा कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हुआ व सिस्टम ऑफ बिलीफ्सो बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप जिनका जो है एक सिंगल बिलीफ है उनका एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए देन उनका एक डिस्टिंगटिव नेम भी होना चाहिए देन नेक्स्ट वी हैव इज आर्टिकल ट्वेंटी सेवन फ्रीडम फ्राम टेक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन इसका मतलब क्या है कि हम जो टैक्स देते हैं वो टैक्स गवर्नमेंट जो है किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए यूज़ नहीं कर सकती है <coughs> मतलब कि हमने कंपेल नहीं किया जा सकता है कि हम किसी रिलीजन के लिए टैक्स पे करें और जो स्टेट आप पब्लिक मनी को स्पेंड नहीं करे किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए यहाँ आप देखो रिलीजन के आगे पर्टिकुलर वर्ड लिखा है मतलब कि अगर स्टेट को सभी रिलीजन्स के लिए करना है तो वो कर सकती है वो बट किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए वो नहीं कर सकती है इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ऑल रिलीजन्स एंड अ पर्टिकुलर रिलीजन जैसे मैंने आपको पहले प्रीएम्बल में पढ़ाया था कि सेक्युलरिज्म है सेक्युलरिज्म में हमारे इंडिया ने कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया हुआ है ओल्ड रिलीजन का है किया हुआ है और वेस्टर्न जो मॉडल है वो नो no रिलीजन का मॉडल है मतलब कि हमारे यहाँ पर अगर प्रिविलेज मिलता है तो सभी रिलीजन को मिलता है छुट्टी होती है सभी रिलीजन की छुट्टी होती है किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं किया जाता सभी रिलीजन्स को जो है इक्वल स्पेस और इक्वल प्लेस मिलता है बट वेस्टर्न मॉडल में किसी भी रिलीजन को प्लेस नहीं मिलता वहाँ पर रिलीजियस हॉलीडेज़ नहीं होती किसी भी रिलीजन पर कोई खर्चा नहीं होता कुछ भी नहीं होता तो फिर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी जाती है सभी रिलीजन्स को बट इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है किसी पर्टिकुलर को नहीं दे सकते हैं एक्सेप्शन क्या है कि कुछ पिलग्रिम्स होती हैं जैसे यात्रा होती है अमरनाथ यात्रा हो गई या फिर कोई और यात्रा हो गई वहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट है वो टैक्स लिवाए कर सकती है रिलीजियस एंडाउमेंट्स के ऊपर फॉर मीटिंग ऑफ रेगुलर एक्सपेंडिचर मतलब कोई खर्चा अगर आ रहा है कोई यात्रा करवाने का कोई पिलग्रिम करवाने का तो वहाँ पर क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो पैसे ले सकती है सो so ये जो है एक्सेप्शन है तो आर्टिकल ट्वेंटी एट फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इसमें क्या है कि आपको किसी गवर्नमेंट स्कूल में या फिर गवर्नमेंट एडिड स्कूल में किसी पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड प्रेयर ऑफर करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है कोई ऐसा काम करने के लिए नहीं बोला जा सकता है जो किसी पर्टिकुलर रिले रिलीजन से रिलेटेड हो डेफिनेशन क्या है कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो स्टेट फंड से मैनेज हो रहा है सो so इस आर्टिकल में टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन भी डिफाइन किए गए हैं वो इंस्टीट्यूशन जिनको कम्पलीटली स्टेट मेंटेन कर रहा है वो इंस्टीट्यूशन जिनको एडमिनिस्टर तो स्टेट कर रहा है बट एस्टेब्लिश है वो अंडर अदर ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन जिनको स्टेट ने रिकोगनाइज़ किया है या फिर ऐसे इंस्टीट्यूशन जो स्टेट से एड रिसीव कर रहे हैं जो फर्स्ट है जो कि कम्प्लीटली जिसको स्टेट मेंटेन कर रहा है वहाँ पर तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती है जो बी है वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन परमिटेड है क्योंकि स्टेट एडमिनिस्टर कर रहा है बट बट वो उसको चला कौन रहा है कोई और ट्रस्ट तो वो ट्रस्ट जो है वो कह सकता है कि हमारे पर्टिकुलर रिलीजन की इंस्ट्रक्शन दी जाए देन सी और डी में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है बट वो वॉलंटरी बेसिस पर है कोई चाहता है तो दे सकता है कोई नहीं चाहता तो वो नहीं देना चाहता तो ठीक है सो so, यहाँ पर हम आपके जो है एंड करते हैं आज हमने नाइन फंडामेंटल राइट्स बेसिकली नाइन आर्टिकल्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं आर्टिकल फंडामेंटल uh, राइट्स तो सिक्स ही हैं टोटल फ्रॉम ट्वेंटी टू ट्वेंटी एट ट्वेंटी में हमने पढ़ा था ऑफेंसिस uh, अगर होते हैं उनके केस में आपको सर्टेन प्रोटेक्शन मिलेगी आर्टिकल ट्वेंटी वन ए राइट टू लाइफ ट्वेंटी वन राइट टू लाइफ ट्वेंटी वन ए राइट टू प्राइमरी एजुकेशन आर्टिकल ट्वेंटी टू डिटेंशन एंड अरेस्ट के केस में आपको मिलेगा Protection then Article 23 prohibition of human trafficking and forced labor, Article 24 child labor, Article 25 freedom of concise right to practice, profess, and propagate your religion, Article 26 right to manage religious affairs, Article 28 free from paying tax for any particular religion, Article बस कंप्लीट आपके ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट तक आपके कंप्लीट हो गए हैं सो ट्वेंटी नाइन जो आर्टिकल है वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे तब तक आप इतना ही पढ़ लेना एंड लास्ट क्लास भी रिवाइज कर लेना सो so आपको इस क्लास में जो है पढ़ने में हेल्प मिल जाए और राइट थैंक्स फॉर वॉचिंग अ नाइस डे